नमस्कार दोस्तों, मैं आपका यश कुमार मिस्टर ट्रू डील और मैनुअल स्टेट के आपके अपने चैनल के ऊपर आज आपके लिए आ रही है 112 गज का इंडिपेंडेंट विला कॉर्नर। सबसे बात बताऊं, हमें रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अंदर जहां पर आपको पानी की टंकी, सीवरेज का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, कोठी को मीटर लगा हुआ है। बाहर की आप एलिवेशन देख ही रहे हैं, सोसाइटी जो है ये पूरी गेटेड सोसाइटी है। साथ ही साथ जो ये हमारा है इंडिपेंडेंट विला रहने वाला है, 1.5 मंजिल बना हुआ, 3 BHK है विद 1 सर्वेंट रूम। साथ ही साथ आपको बताएंगे जो ये हमारी प्रॉपर्टी है काफी प्रीमियम प्रॉपर्टी रहने वाली है क्योंकि कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पार्किंग का एरिया मिल जाता है क्योंकि गली कॉर्नर की है। साथ ही साथ आपको ग्रीन बेल्ट भी मिल जाती है इसी घर के अंदर अंदर। साथ ही साथ आपको बताऊंगा ये आ गया हमारी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की पार्किंग का एरिया। हमारी मेन एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस है, जैसे हम मेन एंट्रेंस में एंटर करेंगे 8 फुट की हाइट है मेन एंट्रेंस की डोर की। सेंट्रल लॉकिंग लगी हुई है, सेंट्रल लॉकिंग अंदर बाहर दोनों से यूज हो रही है। साथ ही के साथ ये आता हमारा हॉल का एरिया और डिनिंग डाइनिंग एरिया। इस साइड हम अपना डिनिंग डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। कॉर्नर प्रॉपर्टी होने की वजह से जो बाहर का व्यू है काफी प्रीमियम दिख रहा है। फेसिंग पार्क रहने वाली कोठी, क्योंकि जो इस कोठी के लेफ्ट हैंड साइड पर है दूसरी साइड कोठी के गली के पार्क है। और साथ ही के साथ हमारा यहाँ पर आया था 7 से 8 सीटर सोफा लग जाएगा। कॉर्नर की कोठी होने की वजह से यहाँ पर हमारा जो एलिवेशन है बाहर का काफी अच्छा लगेगा। और साथ ही के साथ यहाँ पर हम अपने बाहर प्लांटेशन भी कर सकते हैं। पूरी कोठी के अंदर 2x4 की टाइल लगी हुई है। साथ ही के साथ लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे हम एंटर से करते हैं हमारी आती है मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन हमारी काफी हैवी है। इस मॉड्यूलर किचन के अंदर आपको सारा काम किया हुआ मिलेगा। साथ ही साथ आपको 4 टैप की प्रोविजन मिलेगी और 1 RO की प्रोविजन मिलेगी। और लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर हमारा फ्रिज लग जाएगा। और जो हमारे यहाँ पर सिंक यूज किए गए हैं ये एंटी नॉइज सिंक है। जैसे यहाँ पर हम बर्तन वगैरह रखेंगे या बर्तन वगैरह क्लीन करेंगे तो नॉइस वगैरह नहीं आने वाली। और यहाँ पर आया था हमारा चिमनी का पॉइंट। चिमनी से यहाँ पर हमारी बाहर वाली साइड हमारा आया था एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट। और सारी जो प्रॉपर्टी को है डाउन सीलिंग की हुई है। अगर आपने किचन में अपना कोई भी सामान या कोई खाना वाना बनाना है तो जो स्पेस है किचन के अंदर, अगर हमारी बड़ी फैमिली भी है तो आराम से इस किचन को यूज कर सकते हैं। इस साइड आया था हमारा माइक्रोवेव का पॉइंट, ओवन का पॉइंट, ऊपर आया था हमारा मिक्सी का पॉइंट। 3 हमारी पॉइंट किचन में इस साइड दे रखे हैं। उसके अलावा ऊपर आया था हमारा गीजर का पॉइंट, गीजर का पॉइंट ऊपर दे रखा है, स्विच यहाँ पर है गीजर का। और अगर आपको बताएं इस प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है क्या नहीं करना, प्रॉपर्टी काफी प्रीमियम है, लोन आपका यहाँ पर हो जाएगा। कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, अगर इस प्रॉपर्टी पे आपने लोन लेना है तो इजिली लोन भी हो जाएगा। अगर आपने कैश में बाय करनी है ये प्रॉपर्टी, आप कैश में भी बाय कर सकते हैं। अभी चलते हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में भी हमारा जो है कॉर्नर की प्रॉपर्टी होने की वजह से बाहर का जो व्यू है काफी अच्छा आ रहा है। फुल हाइटे वार्डरोब आ जाते हैं। स्टोरेज की कोई कमी नहीं रहने वाली घर में। सामने वाली साइड हमारा आया था एलसीडी पैनल। एलसीडी पैनल के साथ फिर हमारा आया था वॉशिंग एरिया का बाहर का व्यू। और इस साइड आया था हमारा बाथरूम। बाथरूम में फुल हाइट की टाइल लगी हुई है पूरी ऊपर तक। और जो डोर है डोर भी यहाँ पर लकड़ी का लगाया गया है। और सारे पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, गीजर का पॉइंट है, लाइट का पॉइंट है, फैन का पॉइंट है, सारा बाथरूम में काम कंप्लीट हो रखा है। बात करें इस वाले रूम में भी, इस वाले रूम में भी ऊपर डाउन सीलिंग की हुई है। काफी प्रीमियम जो है लुक आ रही है रूम को, क्योंकि जो कलर कॉम्बिनेशन है घर का काफी लाइट और सोबर है। साथ ही साथ अगर हम दूसरे बेडरूम में चले, दूसरे बेडरूम में भी हमें सेम चीजें मिल जाती है। मेन एंट्रेंस का डोर हमें लकड़ का मिल जाता है। वार्डरोब हमें फुल हाइटेड मिल जाते हैं। स्लाइडिंग वाले डोर है वार्डरोब के। स्टोरेज की कोई स्पेस नहीं रहने वाली फिलहाल। अभी जो है प्रॉपर्टी में थोड़ा मोटा काम पेंडिंग है, वो हम आपको कंप्लीट करके देंगे। इसी वजह से यहाँ पर जो सामान ज्यादा दिख रहा है। इस वाले रूम में भी आपको डाउन सीलिंग मिलेगी ऊपर की हुई। और इस साइड आया था हमारा बाथरूम। बाथरूम में भी आपको 8 फीट की हाइट तक टाइल लगी हुई मिलेगी। और जो बाथरूम का कलर कॉम्बिनेशन है काफी प्यारा है। फिलहाल जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। इस साइड आया था हमारा वॉशिंग एरिया, यह हम बोलते हैं वेंटिलेशन एरिया। मैश डोर लगा हुआ है, वेंटिलेशन की यहाँ पर कोई कमी नहीं रहने वाली। प्रॉपर्टी हमारी काफी प्रीमियम है, प्रीमियम लुक मिल रही है कोठी को। और साथ ही साथ 112 गज की 3 BHK कोठी है सर्वेंट रूम। अभी हम चलेंगे हमारी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर आपको एक रूम, एक सर्वेंट रूम, प्रीमियम लुक आ रही है प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी में कोई भी वर्क जो है लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग नहीं रहने वाला। यह आया था हमारा सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम। सर्वेंट रूम में भी जो है 2x4 की टाइल लगी है, फुल हाइट की टाइल लगी है। बाथरूम में भी डाउन सीलिंग की हुई है। इस रूम में भी ऊपर डाउन सीलिंग की हुई है। कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आपको देख लो वेंटिलेशन या रोशनी की कोई कमी नहीं रहने वाली।
एक बारी बाहर से व्यू कर लेते हैं प्रॉपर्टी का। सामने वाली साइड हमारा पार्क आ जाता है, हमारा पार्क एरिया। यहाँ पर हमारी कॉर्नर की प्रॉपर्टी होने की वजह से हमें यहाँ पर जो है पार्किंग की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। आराम प्रॉपर्टी होने की वजह से 4 से 5 गाड़ियों को यहाँ पर इजीली पार्किंग मिल जाएगी। वॉशिंग एरिया भी बोल सकते हैं इसको हम, सीटिंग एरिया भी बोल सकते हैं। ऊपर जाने के लिए स्टेयर दे रखी है, और जो प्रॉपर्टी की लुक है काफी प्रीमियम लुक है। अभी हम आपको थोड़ा सा एक रूम और दिखा देते हैं, जो हमारा ऊपर वाली फ्लोर का मास्टर बेडरूम रहने वाला है। ये रहता है हमारी ऊपर वाली फ्लोर का मास्टर बेडरूम। डायरेक्ट स्टेयर से भी एंट्री है, पर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से घुमा कर लेकर आया हूँ, तो जो आपको प्रॉपर्टी का ओवरव्यू मिल सके वीडियो के अंदर ही। ये हमारा आया था एलसीडी पैनल, था फुल हाइटेड एलसीडी पैनल। साथ ही साथ इस साइड आया था हमारे वार्डरोब, स्लाइडिंग वाले डोर हैं, सेंटर लॉकिंग है, डाउन सीलिंग की हुई है। जैसे कि इस प्रॉपर्टी के अंदर 4 रूम्स है, 4 AC के पॉइंट दिए गए हैं। ये आया था हमारा इस वाली रूम के साथ अटैच वॉशरूम। नीचे 2 बेडरूम है उनके साथ अटैच वॉशरूम है, ऊपर 2 रूम है उनके साथ अटैच वॉशरूम है। रूम्स में हर प्रकार का काम रखा है, जैसे कि एलसीडी पैनल, जैसे कि डाउन सीलिंग, जैसे कि लाइट्स का, जैसे कि मानकर चले हमें कपबोर्ड्स का सारा काम रूम्स के अंदर हो चुका है। मॉडुलर किचन हमारी यहाँ पर रेडी है, 2x4 की टाइल लगी हुई है, प्रीमियम लुक का है, प्रीमियम पेंट है, कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, पास में पार्क है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। प्रॉपर्टी करें लोन की, इजीली आपका इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन हो जाएगा। और अगर आपने प्रॉपर्टी विजिट करनी है, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, 9780810090 पर कॉल करें, मैं और मेरी टीम आपको ये प्रॉपर्टी विजिट कराएंगे। होपफुली अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी तो ये प्रॉपर्टी भी आप अपनी बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, प्रॉपर्टी आपको सिर्फ और सिर्फ 65 लाख रुपए में मिल जाएगी। 65 लाख रुपीज इस प्रॉपर्टी की आस्किंग है। बाकी अगर आपने लोन लेना है लोन ले सकते हैं, कैश लेना कैश ले सकते हैं, किसी प्रकार का कोई वर्क पेंडिंग नहीं है। एसी के सारे पॉइंट लगे हुए हैं, लाइट के सारे पॉइंट लगे हुए हैं, पानी का कनेक्शन मिला हुआ है, मीटर लगा हुआ है प्रॉपर्टी को। जल्दी से जल्दी आइए, स्क्रीन के ऊपर नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उसके ऊपर कॉल कीजिए और मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके लिए बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट डील है ये, बड़ी अच्छी इंडिपेंडेंट डील है। प्लीज जल्दी से जल्दी आइए और प्रॉपर्टी बाय कीजिए। धन्यवाद, जय श्री राम।